इंडिया की टीम का जो कंबर का जो हिस्सा है ना, रीढ़ की जो हड्डी है, वो समझो धोनी है। पाकिस्तान के लिए तो हमेशा ही धोनी भारी पड़ा है। बिल्कुल, धोनी बहुत छात्र आदमी है, हमने हर तरह से इसका मुकाबला करना है। और जिस तरह की उसकी गेम है, जिस तरह का वो कैप्टन था, उसकी जब वो टीम में कैप्टन था तो बहुत असर पड़ता था इंडियन टीम में। तुम्हें बताएंगे कि हमारे पाकिस्तानों के अंदर जज्बा कितना और जोर कितना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय मोहम्मद उमर, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप आ रहा है और सारी दुनिया की टीमें अपना अपना बेस्ट दे रही हैं और सबसे बेहतर होने की कोशिश कर रही हैं, और इंडियन टीम में धोनी इज़ बैक एज अ मेंटोर। तो आए चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि धोनी के इंडियन टीम में वापस आने से बाकी टीम्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इंडिया को इससे कितना बेनिफिट है। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिट, आप सुनाए यार। आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप की इस बार की जो सबसे बेस्ट टीम देखी जा रही है वो है इंडिया, और इंडिया में धोनी एज अ मेंटर वापस आ गया, तो क्या लगता है धोनी के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? स्ट्रेटजीज में फ़र्क आएगा कि उनकी गेम प्लान धोनी का बहुत अच्छा माना जाता है, वर्ल्ड बेस्ट कैप्टन है। नो डाउट, ठीक है, वो अपनी जगह तो अच्छे प्लेयर हैं, तो हर प्लेयर की अपनी एक खासियत होती है, मगर जो हमारे जो प्लेयर हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अभी इन्होंने हमारा जोर ही कहाँ पर देखा है, इसको क्या पता हो मोदी कहाँ पर बैठा हुआ है। तू पाकिस्तान का जज्बा नहीं देखा आप लोगों ने? क्रिकेट में हम स्टार हैं, पूरा पाकिस्तान स्टार है, और बिलीव करें कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम जीतेंगे हम आप लोगों से, तो देन इंशाल्लाह ताला ये विनिंग टीम है हमारी और हम ही जीतेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडियन टीम में धोनी वापस आ गया एज अ गाइड, तो क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को उसका नुकसान होगा? बिल्कुल, धोनी बहुत छात्र आदमी है, धोनी बहुत छात्र आदमी है, हमने हर तरह से इसका मुकाबला करना है। अगर हम मुकाबला करते हैं इसका तो धोनी हमारे आगे कुछ भी नहीं है, इसको इजी नहीं ले सकते हम किसी सूरत पे भी, क्योंकि धोनी है जो वो बहुत मतलब काफ़ी अरसा हो गया है उसको क्रिकेट खेलते हुए, उसको बहुत तजर्बे हैं, उसको बहुत सेंस है। लेकिन बाकी टीमों पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि धोनी पहली बार वापस नहीं आया, धोनी आता जाता रहता है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ग्रेट इम्पैक्ट होगा कि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा और जिसका दिन होगा वही जीतेगा बस। तो क्रिकेट इज़ टोटली ऑन योर लक, हमेशा से यही होता रहा कि जिसकी किस्मत का सिक्का चल रहा होता है हमेशा वही जीता है। सही हो गया, तो धोनी के वापस आने से इंडियन टीम को क्या बेनिफिट मिलेगा? धोनी के वापस आने से इंडियन टीम को ये बेनिफिट मिलेगा, एक सीनियर उनका जो फॉर्मर कैप्टन है, एक एक्सपीरियंस पर्सन है, वो वापस आएगा उनको, और लाइनअप अच्छी हो जाएगी उनको, अच्छे से लेके चलेगा और क्रिकेट में काफ़ी उनकी बेहतरी का होगा। और कुछ बहुत इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि वो लेजेंड है इंडिया का, और जिस तरह की उसकी गेम है, जिस तरह का वो कैप्टन था, उसकी जब वो टीम में कैप्टन था तो बहुत असर पड़ता था इंडियन टीम में, अब तो एज ए मेंटोर आया तो और भी असर हो सकता है, तो धोनी अफेक्ट कर सकते हैं टीम को। तो धोनी के वापस आने से पाकिस्तानी टीम पर क्या अफेक्ट पड़ेगा? सारी टीमों पे पड़ सकते, इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं वही पड़ेगा, कुछ ज़्यादा नहीं। यार फ़र्क तो कोई भी नहीं पड़ता, शुरू से जैसे खेलते आ रहे हैं वैसे ही होगा। अब ये गेम है, अब देखो कभी उनका कभी हमारा, कभी उनका कभी हमारा, जैसे पहले हमारा वर्ल्ड कप था, आप आज भी देखो या तो हमारा होगा या तो उनका होगा, ये तो एक जस्ट गेम है, या तो हार या तो पार, बस ये बात। बिल्कुल, धोनी एक अच्छा कप्तान है और इंडिया की टीम का जो कंबर का जो हिस्सा है ना, रीढ़ की जो हड्डी है, वो समझो धोनी है। धोनी की कप्तानी भी अच्छी है, वो समझता भी है क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से, वो पूरी टीम को साथ लेकर चलता है, और धोनी के आने की वजह से बहुत मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा होंगी, और पाकिस्तान की जो टीम है अभी जो उन्होंने टीम का ऐलान किया उसमें से शुएब मलिक को निकाल दिया, फिर उन्होंने आमिर को भी निकाला, अच्छा बॉलर था इंडिया के खिलाफ, अच्छी बॉलिंग करता है, फ़खर जमान को भी निकाला हुआ है, फहीम अशरफ को भी बाहर है, बॉलर पाकिस्तान के पास कोई भी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की टीम तो बहुत मुश्किल है कि ऊपर की तरफ जाए। इंडिया के मुझे लगता है वो फाइनल भी जीतेगी, काफ़ी भी जीतेगी, T20 कप है ही इंडिया का। हाँ, पाकिस्तानी टीम अगर बेहतर लेके आते हैं खिलाड़ियों को, जो पुराने खिलाड़ी हैं बीच में लेके आना चाहिए इनको, तो फिर पाकिस्तान का चांस हमें बहुत बहुत मुश्किल है। वो एक्सपीरियंस रहे, बहुत टाइम से खेल रहा है, मतलब 20-25 साल उसका एक्सपीरियंस है, और उन्होंने खुद ही वर्ल्ड कप में कैप्टनसी की और एक दफ़ा जितवाया भी, तो इसलिए उनका बड़ा फ़ायदा होगा एज एक्सपीरियंस्ड कोच मेंटोर। हो गया, तो धोनी के वापस आने से बाकी टीमों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा? इतना इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, मेंटेलिटी की बात है, वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे तो वही एक्सपीरियंस से काम चल जाएगा इनका। तो यार आपको क्या लगता है धोनी का वापस आना पाकिस्तानी टीम पे भारी पड़ेगा? नहीं, पाकिस्तान पे क्योंकि वो जो ऑन फील्ड तो नहीं होगा उसका, आउट ऑफ फील्ड ही रहना सारा उसके अंदर ही है,
उनसा उसके क्या नाम है उसने आगे ग्राउंड में साथ खेलना तो नहीं है, बस डिसीजन वगैरह टीम सिलेक्शन होगी और टीम की डिसीजन वगैरह में हेल्पफुल होगा इंडिया में। सही होगा, तो थोड़ा प्रेशराइज तो होगा ना पाकिस्तानी टीम के लिए उसका आना। जी उनके कोचेज भी अब न्यू कोचेज भी आ गए हैं, तो ये भी है कि टीम की क्या नाम है अंडरस्टैंडिंग ने भी कोचेज के साथ इतनी होगी और ये मसला होगा ज़रा पाकिस्तान को, और स्क्वाड भी इतना अच्छा नहीं बना हुआ। ठीक है, एज देखें अगर कि उनके प्लेयर देखें इंडिया के देख लें, बाकी देख लें, अब न्यूजीलैंड के देख लें, ठीक है, जिनके टी ट्वेंटी मैच में अच्छे प्लेयर जा रहे हैं। हाँ, वर्ल्ड कप भी जीतेंगे और हम कश्मीर को भी जीतेंगे और तुम्हें बताएंगे कि हमारे पाकिस्तानों के अंदर जज्बा कितना और ज़ोर कितना है, ये तुम देख लोगे तो और तुम्हें पता चल जाएगा एक मरतबा। जिंदाबाद। जो नए लड़के हैं उसको तो नहीं पता धोनी क्या है, मलक जानता है धोनी क्या है, वाव रियाज जानता है धोनी क्या है, अमर जानता है, फहीम अशरफ है वो भी चलो पुराना है वो भी जानता है कि क्या है धोनी। नए लड़कों को नहीं समझ आती, वो तो पीछे किपरी करके मतलब ऐसे आपको पता है कि जब चाहता था विकेट ले जाता था, लेकिन हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है पाकिस्तानी की टीम के साथ कि वर्ल्ड कप हम जीतें हर सूरत में, जैसे भी जीतें, लेकिन इंशाल्लाह जीतेंगे हम, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको धोनी को इजी नहीं लेना चाहिए, हमें धोनी को इजी किसी सूरत में भी लेना चाहिए। चलो जो नए लड़के सेलेक्ट किए हैं अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, हमारी ख्वाहिश। हैदर अली लड़का जंग था उसको टीम में खिलाया भी, उसने मतलब परफॉर्मेंस भी दी, उसको भी पीछे छोड़ दिया। इंडियन टीम का फॉर्मेट तो उनके कैप्टन ही बेटर बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो एग्रेसिव ही खेलेंगे क्योंकि टी ट्वेंटी तो उनका बेस्ट फॉर्मेट है, क्योंकि आईपीएल में जिस तरह वो खेल के आया तो उनका बेस्ट फॉर्मेट टी ट्वेंटी है, तो वो एग्रेशन में ही खेलेंगे इंशाल्लाह। तो यार इंडिया के बारे में क्या ख्याल है, इंडिया किस फॉर्मेट में खेलेगा इस बार, एग्रेसिव रहेगा या काम लेके चलेगा? एग्रेसिव ही रहेगा इस बार। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनके पास बैट्समैन बड़े अच्छे हैं यार, प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं और वो शुरू से एग्रेसिव गेम खेलते आए हैं, तो ज़्यादा यही चांसेस है कि एग्रेसिव ही खेलेंगे वो लोग। पाकिस्तान के लिए डेंजरस हो सकता है धोनी? पाकिस्तान के लिए तो हमेशा ही धोनी भारी पड़ा है। तो ब्रदर क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार वर्ल्ड कप के लिए, क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला काफ़ी टफ होगा? ये मौजूदा स्क्वाड में तो नहीं, इंडिया इजीली जीत जाएगा। इंडिया जी स्क्वाड से खुश नहीं? स्क्वाड से खुश नहीं। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है इस बार, कौन सी टीम लेके जाएगी वर्ल्ड कप? इंशाल्लाह इंडिया या इंग्लैंड। यानी कि आपके मुताबिक फाइनल में कौन सी टीमें पहुँचेंगी? तो वेस्ट इंडीज है साथ, इंडिया भी सेमीफाइनल से ऊपर नहीं जाएगी। इंडिया सेमीफाइनल से ऊपर नहीं जाएगी, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? इंडियन टीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, हिस्ट्री उनकी ये चल रही है, वेस्ट इंडीज आके जाएगी, वेस्ट इंडीज ले जाएगी फाइनल के लिए। अगर आप डिसीजन दें तो क्वालीफाई करेगी सेमीफाइनल तक, पाकिस्तान भी क्वालीफाई करेगी सेमीफाइनल तक। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंट होकर कह सकते हैं, स्क्वाड से खुश है? स्क्वाड से नहीं, कुछ भी ये है कि कंडीशन के लिए हेल्पफुल है, यूएई की कंडीशन है इधर, ये काफ़ी इन्होंने क्रिकेट खेली हुई है कि जैसे देख लें, अब इंग्लैंड की विकेट देख लें, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, और ये सीम और स्विंग ज़्यादा होता है, और बॉलर पाकिस्तान का वो बॉलर नहीं है जो पेस देखें, अगर एज कंपेयर अगर उनके देखें बॉलर, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर देख लें, स्टार्क हो गया, पैट कमिंस जा रहा है, हेजलवुड, उनको ये फ़ायदा होगा इनके रफ की चीज़ है। तो यार एक्सपेक्टेशंस क्या है, पाकिस्तान जीतेगा या नहीं? नहीं, बहुत मुश्किल है, जीतने का चांस ही नहीं है ना। आप मुझे ये बताएं, एक अच्छा प्लेयर है सरफराज, कितना अच्छा प्लेयर है, उसकी कप्तानी भी अच्छी थी, उसको बाहर बिठा दिया, साल लेके गए हैं उसको खिलाया भी नहीं है। शुएब मलिक है,